नमस्ते दोस्तों, मनी की रसोई में आपका स्वागत है। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है। आज हम आपके लिए सर्दियों में बनाए जाने वाले व्यंजन लेकर आई हूँ। लिट्टी चोखा। जी हाँ दोस्तों, लिट्टी चोखा जो कि बिहार झारखंड का काफी पॉपुलर डिश है। तो चलिए आज हम आपको लिट्टी चोखा बेहद आसानी से बना कर दिखाते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम 200 ग्राम चने का सत्तू ले लेंगे। इसमें हम 4-5 बारीक कटी हुई लहसुन डाल लेंगे, 4-5 हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ अदरक और आधा नींबू निचोड़ लेंगे। थोड़ी सी अजवाइन हाथों से मसल कर डाल लें, 1 चम्मच तेल, तेल हमें सरसों का ही डालना है। स्वाद अनुसार नमक डाल लें। अब इसे हल्का हल्का पानी डालकर मिला लें। ध्यान रहे दोस्तों, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो यह गीला हो जाएगा। यह तैयार हो चुका है। हमने पहले से आटा गूंध कर रखा था। अब इसके छोटे छोटे लोई बनाकर इसमें सत्तू भरते जाएं। हम इसके छोटे छोटे लोई बनाएंगे जो दिखने में काफी सुंदर लगेगा। लोई हमारे तैयार हो चुके हैं। चलिए अब इसे फटाफट से तल लेते हैं। कढ़ाई गर्म हो जाए तो इसमें 1 कटोरी तेल डाल लें। हमने इसमें रिफाइंड तेल का इस्तेमाल किया है, आप इसकी जगह सरसों तेल भी डाल सकते हैं। तेल गर्म हो जाए तो इसमें लोई डालते जाएं। ध्यान रहे दोस्तों, हमें इसे मीडियम आंच पर ही बनाना है, नहीं तो हमारा लिट्टी ऊपर से जल जाएगा और अंदर से कच्चा ही रह जाएगा। ये हो चुका है, अब इसे हम निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम बाकी के लिट्टी भी तैयार कर लेते हैं। लिट्टी तो हो चुका दोस्तों, अब इसके लिए हम चोखा तैयार कर लेते हैं। चोखे के लिए हम पहले मीडियम आंच पर टमाटर पका लेंगे। चिमटे से इसे उलटते रहें ताकि ये हर एक साइड से पक जाए। अब हमें टमाटर को छील लेना है। थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ देते हैं ताकि यह ठंडा हो जाए। तब तक हम आलू का चोखा बना लेते हैं। इसके लिए हमने 2 आलू उबाल कर रखा था। इसमें थोड़ा सा प्याज और थोड़ी सी मिर्च डाल लेंगे, हल्का सा तेल और नमक डालकर इसे मैश कर लेते हैं। आलू का चोखा रेडी है। अब टमाटर का चोखा भी रेडी कर लेते हैं। टमाटर हमारा ठंडा हो चुका है, अब इसे छील लेते हैं। इसमें भी प्याज, मिर्च, नमक और तेल डाल लेंगे। अब इसे भी मैश कर लें। तैयार है दोस्तों लिट्टी और चोखा, जो दिखने में काफी टेस्टी लग रहा है और खाने में भी टेस्टी ही लगने वाला है।
तो दोस्तों आज ही इसे बनाकर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ अगले वीडियो में अगले किसी डिश के साथ। नमस्ते।